ये दिल्ली तलब किए गए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर है। यूपी में सीएम योगी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने के बाद जब दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर लौटी तो बीजेपी हेडक्वार्टर से निकलते हुए सहमे सहमे से नजर आ रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जो मुलाकात हुई है वो लगभग 2 घंटे चली, यानी केशव प्रसाद मौर्य से 1 घंटा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ भी लगभग 1 घंटे की मुलाकात जेपी नड्डा ने की है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बंद कमरे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच क्या बातचीत हुई। इस पर औपचारिक रूप से कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को ही नसीहत दी है। दरअसल पार्टी कतई नहीं चाहती कि यूपी में सरकार और संगठन में कोई मतभेद है, ऐसा संदेश जनता और मतदाता के बीच जाए, वो भी तब जबकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को यह हिदायत दी गई है कि सार्वजनिक मंच से ऐसी बयानबाजी न करें, संगठन और सरकार मिलकर मजबूती से उपचुनाव की तैयारियों में जुटे। सूत्र बता रहे हैं कि जेपी नड्डा ने केशव मौर्य को संयम बरतने को कहा है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से मुलाकात का असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। यूपी में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल ये बड़े बदलाव कैसे होंगे इसकी रूपरेखा तय नहीं है, मगर बदलाव संगठन में ही संभव है। मुमकिन हो संगठन में केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। इस बैठक की एक खास बात यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र सिंह चौधरी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष से होने वाली इस मुलाकात की कोई तस्वीर साझा नहीं किए जाने के बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक गंभीर और गोपनीय थी। मुमकिन हो इसी गंभीरता को देखते हुए दोनों नेताओं ने तस्वीर को सार्वजनिक नहीं की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।